नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर। गाय का मांस बेचने वाले जंगल छोड़ भागे। 10 किलोमीटर के एरिया में बना रखे थे ठिकाने, गायों की हड्डियां मिली, पूरा थाना किया लाइन हाजिर। अलवर में गौ तस्करी और गौकशी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जंगलों में छापेमारी की। पुलिस टीमें किशनगढ़ बास क्षेत्र के रूंद गिदवाड़ा में पहुंची तो वहां गायों की हड्डियां मिली। मामला सामने आने के बाद बीफ मंडी लगाने वाले तस्कर फरार हो गए। रविवार सुबह जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता और खैरतल तिजारा एसपी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। यहां गोवंश के अवशेष देखकर वे हैरान हो गए। आईजी ने किशनगढ़ बास थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया। खैरतल तिजारा एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 20 से 25 लोगों के खिलाफ नामजद गोकशी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीहड़ में इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन वे भाग गए। दर्जन भर से अधिक बाइक और पिकअप बरामद की गई हैं। मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में किशनगढ़ बास के डीएसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही गौ तस्कर और गौकशी में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने किशनगढ़ बास के और खैरतल थाने में कुछ पुलिस कर्मियों पर गोकशी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। डीएसपी सुरेंद्र कुड़ी ने भरोसा दिलाया कि मामले में शामिल पुलिस कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में लिया गोकशी बंद करने का निर्णय, फिर भी नहीं माने तस्कर। मामला सामने आने के बाद रविवार को जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने किशनगढ़ बास थानाधिकारी दिनेश मीना सहित 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 4 बीट कांस्टेबल को निलंबित किया गया। सालों से चल रही बीफ मंडी के मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। खैरथल तिजारा जिले के बाहर से एएसपी स्तर के अधिकारी को जिम्मा दिया गया है। रविवार रात करीब 9 बजे आईजी दत्ता ने पत्रकारों को बताया कि मामला गंभीर है, जांच पूरी होने तक किशनगढ़ बास थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर किया गया है। घटनास्थल पर मिले गोकशी के सबूतों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है, प्रकरण की तह तक जाएंगे। गोकशी में लिप्त गिरोह की पहचान कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। रूंद गिदवाड़ा के काबिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। एसपी स्तर पर के अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। गोकशी की जांच बहरोड कोतपुतली जिले के एएसपी नेमी चंद को दी गई है। गोकशी का सबसे बड़ा अड्डा है रूंद गिदवाड़ा। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।